नमस्कार, मैं हूं जेनिफर और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका इंट्रो मैं पहले दे देती हूं। आपने ये है मोहब्बतें देखा होगा, ये है मोहब्बतें में इन्होंने किरदार निभा चुके हैं और हमारे बिहार के पटना, जी हमारे बिहार पटना के रहने वाले हैं। कंकर बाग में इनका घर है और आज उनके घर पे हम यहाँ पे हैं खास सेगमेंट ले उनके साथ खास बातचीत करने के लिए। आज उनके घर पे आ चुके हैं, जिनका नाम है अभिनव पवन जी। तो सबसे पहले अभिनव पवन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स टू NBC 24 फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। तो बड़ी ही आपकी खास पर्सनालिटी है और मैं कहना चाहूँगी कि यह है मोहब्बतें में आपको बहुत बार देखा गया है, तो एक एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपका तजुर्बा कैसा रहा है? इतने बड़े डेली सोप जो है हर घर में चलता है, ये है मोहब्बतें हैं लगभग हर किसी ने देखा है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जब बिहार के एक्टर्स बॉम्बे जाते थे तो उन्हें एक प्री डिफाइंड वे एक्टिंग का नहीं मिलता था या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं मिलता था, क्योंकि द वर्ड मेथड एक्टिंग और आई वुड से जो थिएटर्स में लोग काम करते थे उन्हें काम उस तरीके का नहीं मिलता था। बट नाउ थिंग्स आर चेंज्ड, बिहार पीपल आर मोर इनटू एक्टिंग। अगर हम देखा जाए सबसे बड़े एक्टर्स लाइक पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, दीज पीपल आर लाइक किंग ऑफ OTT। सो जब मैंने स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड डेली सोप्स 2, 3, 4 करते करते आज 22 हो गए, गॉड इज़ काइंड टू मी, एंड डेफिनेटली आगे भी काम करेंगे और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, जितना अच्छा क्राफ्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा आप स्क्रीन पर डिलीवर कर पाएंगे। आपने जब से ये है मोहब्बत देखी, शायद आपकी पहली ये डेली सोप में काम रही होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके बाद बहुत सारे डायरेक्टर्स ने आपसे अप्रोच किया होगा, तो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए इसके बाद क्या क्या आपके पास अप्रोच आए काम के सिलसिले में। सी बेसिकली द थिंग इज़ कि आई हैव नॉट स्टॉप्ड ओनली एट वन पॉइंट। अगर मैं सिर्फ एक्टिंग में रुका रहता तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आज काम मिला तो फिर वापस मुझे एक महीने में ही काम मिले। द थिंग व्हाट हैपेंड इज मैं प्रोडक्शन साइट पे भी गया एंड देन आई स्टार्टेड टू प्रोड्यूस थिंग्स इन जस्ट रिसेंट डेज, लाइक 2 or 3 days बिफोर आई मेट राम गोपाल वर्मा इन हैदराबाद एंड वी वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट शूल, तो आज से 20 साल पहले आई थी। सो कहीं ना कहीं एक और मूवी को प्रोड्यूस करेंगे, एक बड़ी बजट की मूवी को प्रोड्यूस करेंगे जो कि बिहार की कहानी को, बिहार के लोगों की कहानी को सबके सामने लेकर आएगी। एक बातें आपसे क्लियर करना चाहेंगे कि हर बार एक्टर एक्ट्रेस हर बार ट्रोल किए जाते हैं जिसके कारण बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है, तो आप अपने व्यूअर्स को कैसे, जो ट्रोल करते हैं जो आपके फैंस हैं उसको कैसे आप डील करते हैं? सी इस पे मैं कुछ कमेंट वैसा नहीं करना चाहूँगा, बेसिकली मैं देखता नहीं हूँ, बट इवन इफ़ आई सी इफ समबडी इज़ गेट ट्रोलिंग या मैं भी ट्रोल होता हूँ, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से लीजिए जैसे मेरे लिए तो बॉर्नविटा है मैम, कि 2 ग्लास बॉर्नविटा मैंने पी लिया तो और ज़्यादा मुझे काम करने की ज़रूरत है ताकि मुझे अपने बेस्ट टू बेस्ट मैं सामने ला कर रखूँ। और ट्रोलिंग को कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लीजिए एंड बेसिकली वो द थिंग इज लाइक सुशांत इज नॉट विद अस राइट नाउ, द वे ही वॉज, द वे ही मेड बिहार प्राउड, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, उतना शायद अभी मैं भी नहीं कर पाया हूँ। ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। सो जो उनके साथ हुआ, जो उन्हें ट्रोल करते थे, बेसिकली ट्रोलर्स डजंट गेट अफेक्टेड, देयर पेरेंट्स वेन दे कम इन टू हाईलाइट उन्हें वो ह्यूमिलिएशन देखना पड़ता है। आप ठीक है आप कर रहे हो कोई बात नहीं, इफ़ द पर्सन इज़ ओके फाइन, बट इफ़ द पर्सन इज सेंसिटिव और If he or she go for the legal action, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या आपके जो बिलव्ड हैं उन्हें बहुत चोट पहुंचेगी कि आप ऐसा काम करें। ट्रोल से बिल्कुल भी मत डरिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। आज जैसे जितने भी बिहार के एक्टर्स हैं, कल मैं कालिदास रंगालय में ही था, लाइक अ नंबर ऑफ टैलेंटेड पीपल वो परफॉर्मिंग ओवर देयर, शायद उस तरीके का बड़ा फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा है कि उतना सामने आ पा रहे हैं वो लोग, बट अगर डेफिनेटली अगर कोई अगर आपको ट्रोल करता है तो आप उससे डरिए मत और काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि पब्लिक जो आपको ट्रोल कर रही है ना वो भी एक दिन बोलेगी बस हो गया यार, इतना कर रहा है अब मैं क्या ही इसे ट्रोल करूं। जी अभिनव पवन जी, आप बिहार की धरती से हैं और बिहार के धरती से होने के बावजूद आप मुंबई में जाकर काम कर रहे हैं, तो किस तरह से ये चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? और बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो बिहार से बाहर जाकर काम करती हैं, जब इंडस्ट्री में जाती हैं तो थोड़ा सा मनमुटाव सा रहता है बिहारियों के साथ, हम लोगों के साथ, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सी देखिए, मन मुटाव की बात मैंने अभी आपको कैसे कहा ट्रोल वाली ही बात पे, कि आप उस चीज़ को वैसे मत लीजिए, टिकट एज ए चैलेंज। मुझे अगर कोई एक चैलेंज दे तो मैं कम से कम वैसे 10 उसको अप्रूव करके दिखाऊं।
अगर बात तब क्या ही होगी कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, साथ में मिलकर काम करना ही आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन आई वाज स्टार्टेड आई एम रियली लकी, आई एम रियली आई वुड से कि मेरे साथ लोग उतने अच्छे जुड़े हुए थे, ऑनरेबल एकता कपूर मैम, एक्टर्स लाइक करण पटेल, दिव्यांका त्रिपाठी, दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव टू मी। मेरा शायद उतना क्राफ्ट भी अच्छा नहीं था, बट डूइंग आफ्टर डूइंग इट केम इन टू पर्पस, और करते करते आज मैं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज गॉड इज काइंड, नथिंग एल्स। अंत में आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि अभी जो मूवीज़ है वो रिलीज़ होना बंद हो गई है, लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म पे सब कुछ रिलीज़ हो रहा है, जैसे वेब सीरीज़ आ रही है, क्या आपकी भी कोई वेब सीरीज़ आ रही है? तो बिहार के स्पेशली दर्शकों को ज़रूर बताइए अगर आपकी कोई वेब सीरीज़ आने वाली है। हम लोग सभी फॉलो करते हैं आपको और हम चाहते हैं हमारे NBC के सारे दर्शक आपसे जुड़ जाएँ। डेफिनेटली आई वुड से वन थिंग दैट बेक ऑफ इज़ कमिंग, मुझे बोलने के लिए मना किया गया था बट स्टिल आई एम सेइंग पंकज सर इज़ देयर, अ वेरी आई वुड से From the dark to the light part, a very significant story of UP is coming for all the audience. आपको देखने में मज़ा आए मैं यही विश करता हूँ, और मेरा काम भी आपको पसंद आए मैं यही विश करता हूँ, that's it. बड़ा ही दिलचस्प भरा रहा अभिनव पवन जी के साथ बात करना, और बड़े ही ज़मीन से जुड़े लगे हैं अभी, अच्छी फीलिंग आई है एक, और उम्मीद है कि आपको ये खास सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए NBC 24। कैमरामैन पंकज कुमार के साथ मैं जेनिफर। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कोर्स सिलेक्शन में आपको हो रही है परेशानी, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ACC है आपके लिए सबसे बेहतर कोर्स, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब खोजने की परेशानी से मिल जाएगा छुटकारा। तो फिनसपियान इंस्टीट्यूट से करें एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का कोर्स। इसके अलावा CFA, IFRS, FRM, CIMA समेत वेरियस कोर्सेस, और दुनिया के 180 देशों में से कहीं भी पाए अपनी इच्छा अनुसार नौकरी। पटना में हमारा ब्रांच है नियर पिलर नंबर 68, ब्रह्मास्थान गली, राजा बाजार, बेली रोड, पटना, या फिर सरज विहार टेलीकॉम कॉलोनी, राइट साइड ऑफ टी पॉइंट, गोला रोड, पटना। इसके अलावा हमारे ब्रांच मुंबई और लंदन में भी है। मुंबई में हमारा ब्रांच है भूमि पार्क मलाड, वेस्ट मुंबई। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 9560381799।